ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की बैगा समुदाय की महिलाओं ने नई दिल्ली स्थित अमृत उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की सौजन्य मुलाकात। जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरण करने वाले लोगों का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने की मांग की। 16 अप्रैल को रायपुर में निकाली जाएगी रैली। अंबिकापुर में तालाब पाटकर जमीन बेचने के मामले में उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जारी किया नोटिस। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में देखी जा रही है बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली स्थित अमृत उद्यान में कबीरधाम, कोरबा और गरियाबंद जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय की महिलाओं ने सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर महिला समूह की ओर से राष्ट्रपति को बीरन माला भेंट की गई। वहीं राष्ट्रपति ने भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया संबोधित कर महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। महिलाओं का स्व सहायता समूह अमृत उद्यान के भ्रमण के लिए नई दिल्ली प्रवास पर गया हुआ था। इस महिला समूह ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने और आजादी के अमृत वर्ष में तैयार किए गए अमृत उद्यान का 31 मार्च को भ्रमण किया। इन महिलाओं ने बताया कि राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का भ्रमण एवं राष्ट्रपति से हुई मुलाकात से न केवल समूह का सम्मान बढ़ा बल्कि जिले के लिए भी गौरव का विषय है। इससे उन्हें नई ऊर्जा मिली है। ये महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने प्रयासरत हैं। जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष गणेश राम भगत ने मांग की है कि आदिवासी समाज को छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों का नाम अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी से हटाया जाए। इस मांग को लेकर 16 अप्रैल को राजधानी रायपुर में एक रैली भी निकाली जाएगी। रायपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री भगत ने मांग की कि धर्मांतरण करने वाले लोगों के नाम जनजाति वर्ग की सूची से हटाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। श्री भगत ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है और वे मूल जनजातियों के हिस्से की सुविधाओं का लाभ अवैध रूप से उठा रहे हैं जिनमें आरक्षण भी प्रमुख मुद्दा है। श्री भगत ने कहा कि धर्मांतरण भारत के अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है और जो लोग जनजाति परम्परा नहीं मानते उन्हें जनजाति वर्ग की सूची से डीलिस्टिंग करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि डीलिस्टिंग की मांग को लेकर 16 अप्रैल को रायपुर में प्रस्तावित रैली में छत्तीसगढ़ सहित देशभर के जनजाति समूह के लोग शामिल होंगे। जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवा समुदाय के 4 लोगों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति गठित की है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव द्वारा गठित यह 6 सदस्यीय जांच समिति संबंधित स्थानों का दौरा कर घटना से संबंधित तथ्यों की रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। इस समिति में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व सांसद रामविचार नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं। इस बीच एक बयान जारी कर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि पहाड़ी कोरवा दंपत्ति ने कथित रूप से भूख और बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की है। अंबिकापुर में करीब 52 एकड़ भूमि पर स्थित शिव सागर तालाब को पाटकर इसकी जमीन को बेचने के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी और न्यायाधीश एन के चंद्रवंशी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से 11 अप्रैल को जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि नियत तिथि को श्री सिंहदेव अपना जवाब नहीं देंगे तो याचिका की सुनवाई करते हुए एक तरफा निर्णय लिया जाएगा। अंबिकापुर की तरुण नीर समिति ने सार्वजनिक तालाब को बेचने के मामले में एक याचिका लगाई थी। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1512 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड माल ढुलाई की है। रेलवे की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बीते वित्त वर्ष के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार पिछले वर्ष भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई, विद्युतीकरण, नई लाइनें बिछाने, दोहरीकरण और लोको उत्पादन के साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और प्रौद्योगिकी के एकीकरण सहित विभिन्न श्रेणियों में रिकॉर्ड कायम किया है।
सीमावर्ती राज्य झारखंड के चतरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 25 लाख रूपये के इनामी माओवादी गौतम पासवान सहित 5 माओवादियों को मार गिराया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से 5 हथियार भी बरामद हुए हैं। कोरबा की 203 बटालियन के जवानों ने यह कार्रवाई की है। कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र स्थित चमारी गांव में विवाह में उपहार के रूप में मिले होम थिएटर को चालू करने के दौरान भीषण विस्फोट होने से दूल्हे सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले गांव के एक परिवार में शादी हुई थी। उपहार में मिले होम थिएटर को परिवार के सदस्य आज चलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी विस्फोट हो गया। यह धमाका इतना भीषण था कि मकान की छत उड़ गई और दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विवाह समारोह में होम थिएटर का उपहार देने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर ने घटना की पुष्टि की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम जीवन धारा के तहत प्रदेश के 22 जिलों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा रायपुर में 30 से अधिक चिकित्सकों को यह प्रशिक्षण दिया गया। इससे अब तक प्रदेश के दूरवर्ती इलाकों में भी डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। रायपुर एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉ नितिन एम नागरकर ने बताया कि राज्य में किडनी रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न जिलों में डायलिसिस की सुविधा शुरू की जा रही है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में मिलेट्स कैफे खोला गया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इस कैफे का शुभारंभ किया। सेहत बाजार के नाम से शुरू किए गए इस मिलेट कैफे का संचालन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मंत्रीगणों ने सुराजी गांव योजना के तहत जिले के बड़की महरी में गोबर से पेंट बनाने वाली यूनिट का लोकार्पण किया। बलरामपुर शहरी गौठान में संचालित इस गोबर पेंट यूनिट में 3 महिला स्व सहायता समूह की करीब 30 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बिलासपुर पुलिस ने बीते 2 महीने के दौरान नशे के खिलाफ निजात अभियान के तहत जन जागरूकता पर आधारित 500 से अधिक कार्यक्रम किए हैं। इस दौरान स्कूल कॉलेजों के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर काउंसलिंग की गई, वहीं दीवार लेखन और फ्लैक्स के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। इसके अलावा जिले में नशे का कारोबार करने वाले 1300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं सूरजपुर जिले के सभी थाना चौकी क्षेत्र में भी सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने और आम लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करने के लिए पुलिस जन चौपाल और चलित थाना चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जनप्रतिनिधियों और पुलिस की उपस्थिति में आयोजित जन चौपाल में लोगों को साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूक किया गया। और अब एक सतर्क करने वाली खबर। छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य अमला एहतियाती कदम उठा रहा है। राज्य में बीते 10 दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पॉजिटिविटी दर 4.14% तक पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में हुए 532 नमूनों की जांच में 22 नए मरीजों की पहचान हुई है। इसी के साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 113 पहुंच गई है। रायपुर और बिलासपुर में सबसे अधिक नए मरीज मिले हैं। जिन जिलों में नए मामले मिले हैं वहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश TB राधाकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बघेल ने कहा है कि जस्टिस श्री राधाकृष्णन को उनकी उच्च गुणवत्तापूर्ण न्यायिक सेवाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारत के महान शासक और कुशल योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। बीजापुर जिले में तेंदुपत्ता भुगतान को लेकर पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में आज डीएफओ कार्यालय के घेराव के साथ ही नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। दुर्ग के देशलहरे नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर 10 लाख रूपये कीमत का पान मसाला जब्त किया है। साथ ही अवैध रूप से संचालित गोदाम को सील कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह स्थित किसान स्कूल में न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर और जिला विधेयक प्राधिकरण के सचिव गीतेश कुमार कौशिक ने किसानों, महिला स्व सहायता समूहों और जनप्रतिनिधियों से भेंट कर नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कवर्धा के समनारपुर में आयोजित जिला स्तरीय पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के समापन अवसर पर विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सूरजपुर जिले के सिरसी गांव में तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में एक इस्पात कंपनी में विभिन्न पदों पर नियुक्ति का ऑनलाइन विज्ञापन जारी कर रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती कल मनाई जाएगी। इसके उपलक्ष्य में आज धमतरी के इतवारी बाजार स्थित जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शहर के कई स्थानों पर स्वागत हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ की बैगा समुदाय की महिलाओं ने नई दिल्ली स्थित अमृत उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की सौजन्य मुलाकात। जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरण करने वाले लोगों का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने की मांग की। 16 अप्रैल को रायपुर में निकाली जाएगी रैली। अंबिकापुर में तालाब पाट कर जमीन बेचने के मामले में उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जारी किया नोटिस। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में देखी जा रही है बढ़ोतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।